हेलो एंड यू वॉचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। आज के एपिसोड में हम अपने दोस्त से मुलाकात कराएंगे जो ड्राई फ्रूट बिजनेस में है। श्रीनगर बेस्ड इनका जो अपना खुद का फार्मिंग है और कई तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं ये, चलिए उन्हीं से बात करते हैं और पता करते हैं कि उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और क्या प्राइस है। लेट्स चेक दिस आउट। हेलो एवरीवन, मैं रियान मुश्ताक आप सबको ये इस वीडियो के जरिए आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इस वक्त कश्मीर में जो अखरोट की हार्वेस्टिंग शुरू होने वाली है, नए अखरोट शुरू हो रहे हैं, तो इस वक्त काफी फ्रेश अखरोट आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में इनको इस चीज को शेयर करूं कि अभी फ्रेश अखरोट हमारे पास आए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये देख लीजिए आप, जिस चीज की आपको इंतजार था वो चीज तैयार हो चुकी है। ये देख लीजिए आप, इसका छिलका आप देख सकते हैं। कुछ लोग मोटा अखरोट ढूंढते हैं, वो भी है। ये देख लीजिए आप, ये अखरोट की गिरी है। खासकर जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो आप मार्केट से अखरोट खरीदते हैं, वो चाहे कैलिफोर्निया का हो चाहे कहीं और का हो, सबसे जरूरी होता है कि उसमें ऑयल नहीं रहता है, टेस्ट नहीं रहता है। यहाँ का अखरोट काफी बड़ा बड़ा सा लगता है, काफी बड़ा बड़ा सा होता है, इसका गिरी में भी काफी अच्छा टेस्ट होता है। और सबसे जरूरी जो हमें ऑयल चाहिए इससे, और इसका ऑयल भी काफी, इसका ऑयल कंडीशन भी काफी होता है, 75 से 90% तक ऑयल इसमें रहता है। जो अमेरिकन अखरोट हम लेते हैं या कैलिफोर्निया का अखरोट लेते हैं, आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप उसको ट्राई पे लेते हैं या एक अखरोट उठाओ उसको ऐसे करो, वो अंदर से हिलने लगेगा, बजने लगेगा, तो वो मोस्टली वहां के होते हैं जो अमेरिकन अखरोट होते हैं। और इसका छिलका जो है काफी ज्यादा नरम होता है, इससे भी ज्यादा, इसका छिलका भी नरम है लेकिन वो इससे भी ज्यादा नरम होता है, क्योंकि उसको मशीन से हीट दिया जाता है, उसका ऑयल जो है खत्म हो चुका होता है और उसका छिलका जो है एसिड वाश से ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देख लीजिए आप इसमें कितना ऑयल होता है, ये देख लीजिए, ये मैंने टुकड़ा एक दबाया हाथ में, ये देख लीजिए, ये इसका ऑयल है, इसमें 75 से 90% ऑयल रहता है गारंटीड। या कश्मीरी एप्रिकॉट, इसकी भी हार्वेस्टिंग हुई है, ये भी काफी फ्रेश आया हुआ है, जो हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है। आप रात भर इसको पानी में भिगो सकते हैं और सवेरे खा सकते हैं। इसकी जगह दूसरा एप्रिकॉट आपको मिलता है जो टर्की से आता है, मैं आपको वो दिखाऊंगा, जो मार्केट में आप लेते हैं खाने के लिए। आप सोचते हैं कि ये काफी सॉफ्ट है, खाने चबाने में आसान हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई भी फायदा नहीं है खाने के लिए। अगर आपको फायदा चाहिए खाने के लिए तो आप ये ले सकते हैं, इसको आप रात भर पानी में भिगो, ये हार्ट के लिए काफी अच्छा है और ठंडा है। और देखो आप कितना खूबसूरत, कोई कलर कोटेज नहीं है, शुगर कोटेज नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, फ्रेश है, ऑर्गेनिक है फूल। या यहाँ पे रखी है हमने क्रैनबेरी है, काफी खूबसूरत, ये देख लीजिए आप, ब्लड के लिए काफी अच्छा है, किडनीज के लिए काफी अच्छा है, अगर खुदा ना खासा किसी को स्टोन भी हो, स्टोन के लिए भी काफी अच्छा होता है। या पहाड़ी गार्लिक, हम देखते हैं कि दो तरीके का पहाड़ी गार्लिक, सब लोग कहते हैं कि कौन सा दो तरीके का होता है, आप ये देख लीजिए, चाइना से आता है जो 850-700 रुपए के जी होता है, ये वाला जो प्योर कश्मीर का जो है वो हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है। आप खुद कंपेयर कर सकते हैं इसका शक्ल और उसका शक्ल, दोनों को आप कंपेयर करो खुद ही, ये देख लीजिए आप सर, ये कश्मीर का है और ये चाइना का है जो 750 से 700 रुपए तक के जी आता है, और जो कश्मीर का है ये 1200 से 1250 रुपए तक के जी जाता है, क्योंकि इसमें काफी रस होता है, जो ये होता है काफी ड्राई ड्राई सा होता है और ये उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। या यहाँ पे दालचीनी रखी हुई है, या हमने शाही जीरा रखा हुआ है जो वेट के लिए काफी अच्छा होता है, फेट्स को अगर काटने के लिए, या शुगर के लिए काफी अच्छा होता है, ये काफी अच्छा चीज है ये। या ड्राई स्ट्रॉबेरी हमने रखी हुई है इस साल की नई सीजन की, तो हमने सोचा आप लोगों में शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, तो ये काफी अच्छा है ड्राई स्ट्रॉबेरी है, जो कम से कम 6 मंथ तक आपको रहेगी। या ड्राई चेरी हमारे पास है, आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए कितना खूबसूरत है। या अंजीर है कश्मीरी, ऑर्गेनिक अंजीर जो हमारे पास होती है फिक्स जिसको कहते हैं, ये देख लीजिए आप कितना ताजा है और कितना सॉफ्ट है, ये देख लीजिए कितना नरम है। या कश्मीरी मामरा बादाम, काफी लोग कहते हैं कि भाई मामरा का छिलका दे दो, मामरा का छिलका दे दो, लेकिन हम इन चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि साबुत है, इसके अंदर क्या है कोई नहीं जान सकता। इसमें 25 दाने हैं मेरे हाथ में, इन 25 दानों में क्या है मैं नहीं कह सकता, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारे पास मामरा गिरी है, मामरा गिरी सबसे अच्छा है, इसमें कोई वेस्ट नहीं है। अगर आप 1 किलो लेते हैं शल वाला, उसमें आधा किलो फेंकना है, अगर आप ये 1 किलो लेंगे इसमें कोई भी वेस्टेज नहीं है, ये देख लीजिए कितना अच्छा है। और इसमें ऑयल होता है 90% गारंटीड, ये देख लीजिए आप ऑयल, ये देख लीजिए, ये इसका ऑयल है, हल्का सा मैंने दबाया और ऑयल निकल गया, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए ऑयल कितना ऑयल है इसमें,
ये देख लीजिए आप सर, ऑयल कितना ज़्यादा है इसमें। या अजवा खजूर चाहिए आपको, या ड्राई कीवी चाहिए आपको, हमारे पास ड्राई कीवी भी मौजूद होती है, या अखरोट की गिरी है, अखरोट से भी बेटर अखरोट की गिरी होती है, या खजूर है दूसरा हमारे पास नॉर्मल डेट्स जिसको वाइट बेस कहते हैं, या अजवा डेट्स है, या रसबेरी हमारे पास, आप देख लीजिए कितना खूबसूरत है ये एकदम फ्रेश। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि मैं आपके आपके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करूं और आप लोग देख लो कि हमारे पास क्या क्या फ्रेश आया हुआ है, उस चीज़ को आप एंजॉय करो। या क्रैनबेरी यहाँ पे देख सकते हैं आप, दूसरा क्रैनबेरी भी ये देख लीजिए, या ब्लैकबेरी हमारे पास है ये देख लीजिए आप कितना खूबसूरत है, या हमारे पास यहाँ पर ब्लैक किशमिश है जो अफगानिस्तान से आती है ब्लैक, या ग्रीन किशमिश आप देख लीजिए कितना खूबसूरत है, कितना ड्राइड है। हमारे पास नासिक से भी आता है किशमिश, वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो दाना थोड़ा छोटा होता है और सॉफ्ट होता है, वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, जिसको इतना इसको ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। या हमारे पास शिलाजीत है जिसकी काफ़ी ज़रूरत होती है शिलाजीत को इंसानों की, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे घर में कोई बुजुर्ग होता है, माँ बाप होते हैं, उनको जोड़ों में दर्द होता है, तकलीफ होता है, या किसी को शुगर होता है, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो वो इसका उपयोग कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। हमारे मदर फादर हो या कोई बुजुर्ग घर में होता है उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, शुगर को भी कंट्रोल करता है, वेट को भी कम करता है, मेमोरी के लिए काफ़ी अच्छा है, बाल झड़ता हो किसी को उसके लिए भी अच्छा है, तो ये जोड़ों के दर्द के लिए भी काफ़ी अच्छा है, तो वो इसका उपयोग कर सकते हैं, फुल गारंटीड है, साफ चीज़ है। या कश्मीरी सैफरान आप ढूंढते हैं, कश्मीरी सैफरान अगर आपको चाहिए, ये देख लीजिए आप, इस पर हमारा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, हमारा एड्रेस होगा पूरा यहाँ का दुकान का, ये फुल गारंटीड है विद लैब रिपोर्ट, ये लैब टेस्ट करके हैं, ये कश्मीरी सैफरान है। या पिस्ता आप देख सकते हैं, या काजू देख लीजिए आप, काजू तो यहाँ नहीं होता है, बहरहाल आपको तो पता है क्योंकि कश्मीर में काफ़ी क्लाइमेट ठंडा होता है, लेकिन हमारे पास जो ईरान से काजू होता है वो हम रखते हैं। या पिस्ता होता है वहाँ का पिस्ता काफ़ी मशहूर है क्योंकि उसमें सॉल्ट बरोबर होता है और रोस्ट अच्छा होता है और काफ़ी फ्रेश होता है वाइट, ये देख लीजिए आप इनका पिस्ता कितना अच्छा होता है। जो आप मार्केट से कैलिफोर्निया का पिस्ता खरीदते हैं वो भी हमारे पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, उसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें सॉल्ट बरोबर नहीं रहता है, ये देख लीजिए। सबसे ज़रूरी है क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। या हमारे पास यहाँ पे कश्मीरी कहवा है जो सैफरान टी है, ये आप ले सकते हैं, चेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, खांसी सर दर्द जुकाम हो किसी को, गले का खराश हो उसके लिए अच्छा है। या एप्रिकॉट ऑयल है हमारे पास, वॉलनट ऑयल है, या रोगनी बादाम है, या आप ले सकते हैं हमारे पास सैफरॉन क्रीम है हमारे पास, ये ले सकते हैं, या कश्मीरी मसाले ट्रेडिशनल मसाला टिक्की जो हमारे पास होते हैं, कश्मीरी मसाले जो ग्राइंड करते हैं हम, जो कश्मीरी ट्रेडिशनल स्पाइसेस होते हैं उनको हम ग्राइंड करते हैं, तो उनको एक गर्म मसाला बनाते हैं जो घर में खाने में यूज़ होता है वेजिटेरियन में, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट बनता है खाने का। या हमारे पास आप अकेशा हनी ले सकते हैं, ये देख लीजिए आप अकेशा हनी अभी हमने निकाला हुआ है, तो काफ़ी वाइट होता है ये, जो एंटी एलर्जी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, या वेट को काटने के लिए, या फेटस इंसान को किसी को उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, बच्चों को दिया जाता है, ये काफ़ी हेल्दी होता है अकेशा हनी, साधारण हनी से जो आप मार्केट से खरीदते हैं। या यहाँ पे हमारे पास है गुलकंद, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, ये मुगल रोज से बना हुआ होता है, जो मुगल रोज है। आप देख सकते हैं सब कुछ हमारे पास लगा हुआ है यहाँ पे। अखरोट की काफ़ी वैरायटी होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं सस्ता, वो 50 रुपये 60 रुपये 100 रुपये जो अखरोट होते हैं, 250 रुपये होते हैं, या 300 रुपये होते हैं, 350 रुपये होते हैं, वो भी अखरोट हमारे पास है, लेकिन जो ये है ये फर्स्ट ग्रेड है, ये सबसे अच्छा अखरोट है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, थोड़ा सा इनमें महंगा होता है, बाकी भी और हमारे पास वेराइटीज़ आती रहती है, जो वेराइटीज़ हमारे पास आएंगी वो सब इंशाल्लाह हम आपको ये वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएंगे, आपको शेयर करेंगे, तो इस वीडियो के जरिए आप तक हम जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे, तो ज़रूर हमारे जो वीडियो देखने वाले होंगे वो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप तक पहुँचा सकें और अच्छी क्वालिटीज़ आपको दे सकें ताकि आप उसको खा सकें। थैंक यू।